बहुत अच्छा, आउट ऑफ द वे। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। अच्छा, इसका रिव्यू देख के मैं यहाँ खाने आई हूँ। अच्छा अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। छोटा सा नाम लिखा हुआ रिकेश ऊपर, बस छोटा सा नहीं भैया, नाम भले छोटा सा है, पहचान बहुत बड़ा है आपका यहाँ पे। पहचान सबसे शुक्रिया करते हैं उस मालिक का, उस मातरानी का, जिसने हमें मौका दिया काम करने का। नाम तो मालिक है, जब बंदे का नाम चलने लगे मुश्किल, हम तो सब उसका क्रेज़ है, सब उसका ही नाम है बस। अभी हम लोग हैं जम्मू में और जम्मू में कवर करने आए एक बहुत ही ज़्यादा वायरल से स्ट्रीट फूड कार्ट को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में और जम्मू के एक और वीडियो में। फिलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं इसे कहते हैं गांधीनगर। गांधीनगर में ये लाइन से अलग अलग रेडी लगता है, यहाँ पर कि अलग अलग मतलब स्ट्रीट फूड का आइटम जो है वो मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर समझाएं आपको तो बहुत सिंपल सा है, गांधीनगर में आना है आपको, जम्मू में लाइन से जो रेडी लगता है इसी में आपको पहुँचना है। लास्ट मोड़ पर चर्च के सामने ये जगह है और नाम है कार्ट का राकेश जी ब्रेड कलाड़ी कुलचे सोया चाप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लोग इनको जानते हैं पत्ते वाले राजमा चावल के नाम से। मतलब इनका जो पत्ता वाला राजमा चावल है वो बहुत फेमस है, साथ ही साथ पत्ता वाला जो है इनका कुछ ब्रेड कुलचा, डिप कुलचा जिसे कहते हैं, भिगो के देते हैं, प्लस कुछ समोसा भी खिला रहे हैं, बहुत कुछ है। और पूरा देखिए लोगों का क्राउड चारों तरफ से इनको घेरा हुआ है। हम लोग जब यहाँ आए क्राउड देख के समझ गया कि जो सही जगह है वहाँ पहुँच गए हैं। आप भी जब आइएगा तो बस गूगल पर सर्च कीजिएगा राकेश जी कलाड़ी कुलचे, आप पहुँच जाइएगा। और जब यहाँ आइएगा तो ढूंढना नहीं कि कौन सा कार्ट है, बस ये जो भीड़ है ये आपको बता देगा कि आप सही जगह पहुंच चुके हैं। चलते हैं थोड़ा उनसे वार्तालाप करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है, काफ़ी अच्छा अच्छा बात करते हैं वो, तो थोड़ा उनकी बातों को सुनते हैं और थोड़ा देखते हैं कैसे सर्व किया जाता है, फिर खाते हैं, स्वाद उसका आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा नाम राकेश है साहब जी। आप ही के नाम पर ये दुकान है? हाँ हाँ हाँ। और कितने दिन से है यहाँ पे? सर यहाँ पे रेडी तो हमारी बहुत पुरानी है। अच्छा, 42 साल। अच्छा हाँ, ये पहले थी गांधीनगर पे। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ हो गए 6 साल, 29 साल हो गए, 29 साल हो गए मुझे काम करते यहाँ। तो आप मतलब बहुत फेमस है जम्मू में। अरे माता रानी कृपा है सर, कहाँ पे है आप जैसे भाई का प्यार है, बस बड़ी बात हुई। बहुत सुने हम लोग पत्ते वाला राजमा चावल, पत्ते वाले लग रही है। जी हाँ जी। तो और ये भी बेचते हैं कलाड़ी कुलचा ही बेचते हैं शाम को? सर वो शाम को मिलता है, ये सेटअप इसी हिसाब का रखा जिस हिसाब ग्राहक हमारे पास आता है। दिन में राजमा चावल, शाम को कलाड़ी कुलचा। ये देखो चावल समोसे छोले, देखो राजमा चावल, राजमा आ गए गर्मा गर्म, ठीक है। ये देखो जी गर्मा गर्म राजमा आ गए, ये पनीर का पीस देखो जी, ये पनीर का पीस, ठीक है, हल्की सी मिर्ची स्वाद के लिए, ये देखो जी थोड़ा सा मसाला, ये देखो प्याज, ये अनारदाने चटनी, एक डिस्पोजल चम्मच, ये देखो सर एक हरी मिर्ची आ गई सर, ये देखो जी चाय तो बड़ी प्यार से कहा नैपकिन ले सकता हाथ साफ करने के लिए, ये देखो जी ये लगे राजमा चावल जी, ये 70 रुपए का प्लेट हो गया जी सर। कुलचा दुकान का भैया टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग 10 बजे लगाते हैं और 2 बजे 2:30 बजे क्लोज होता है सर। अच्छा, 2 बजे बंद भी कर देते हैं? हाँ, नहीं सामान खत्म बंद नहीं करते, रेडी तो खुली रहती है। हाँ, सामान खत्म हो जाता है। अच्छा, 2 बजे तक सामान खत्म हो जाता है। 2:30 बजे फिर शाम से वो कलाड़ी कुलचा, 4 बजे लगाएंगे कलाड़ी कुलचा। एड्रेस क्या बताते हैं? लास्ट मोड़ सिग्नल सेकंड रेडी, छोटा सा नाम लिखा हुआ राकेश ऊपर, बस छोटा सा नहीं भैया, नाम भले छोटा सा है, पहचान बहुत बड़ा है आपका यहाँ पे। पहचान सबसे शुक्रिया करते हैं उस मालिक का, उस मातरानी का, जिसने हमें मौका दिया काम करने का। नाम तो मालिक है, जब बंदे का नाम चलने लगे मुश्किल, हम तो सब उसका क्रेज है, सब उसका ही नाम है बस। नहीं, हम लोग जब यहाँ आए ना, जो भीड़ था देख के समझ गए कि हम लोग सही जगह पहुँच गए। हाँ जी, इतना भीड़ था, लोग पूरा घेरे हुए थे आपको चारों तरफ से। सर ये मैं कह दिया घेरा नहीं है आपका, इनका प्यार था, मैं बोल दिया ना ये प्यार है, ये इतनी प्यार से आते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। तो एक अगर कुछ खाना हो तो क्या खाए आपके पास? नहीं आपकी चॉइस है, देखो मैं दुकानदार हूँ, मैंने तो चीज बेचनी है। देखो मैं बोलूँ सर ये खाओ, ना 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 ना, देखो आपके साथ आपकी वाई फाई है वो आपको बताएगी, जो खाएंगे जो अच्छा लगे वही खाओ आप, वो जो बोलेंगे वही खा लेते हैं। हाँ बस उनकी चॉइस, उनकी चॉइस बहुत जरूरी है। का माहौल जो है वो देख सकते हैं, मतलब आप चारों तरफ से लोग जो है वो घेरे हुए हैं भैया को, यहाँ राजमा चावल के लिए हर तरफ आपको बस भीड़ भीड़ और भीड़ दिखेगा, लोग कहीं कहीं से एडजस्ट कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं कि हमको मिल जाए। भैया हमेशा ऐसा ही क्राउड होता है यहाँ पे? होता नहीं है, प्यार है सर इनका, कल छुट्टी मार दी इसलिए गाहक आए मेरे पास। अच्छा, ये गाहक हो रहे हैं, मेरा प्यार है हमारा, इधर प्यार से आते हैं हम, खिलाते हैं बस, बड़ी बात कोई नहीं है। नहीं आप इतने प्यार से खिलाते हैं तभी लोग यहाँ आते हैं, इनका प्यार हम काम कर रहे हैं, हमें कौन जानता है यहाँ पे, हमें कोई नहीं जानता सर, ये आपका प्यार है, देखो इतने प्यार से मेरे पास आए, इससे बड़ी बात क्या है। ये तो जितने मेरे भाई खा रहे हैं सबका मैं वेलकम करता हूँ, जितने भाई बहन है जितने, मैं सब इनका वेलकम है, दो आते हैं खाते हैं हम खिला देते हैं बस, और क्या करेंगे, ये आपका प्यार भी है, देखो दोनों जी आप आए हो, माता रानी तरक्की जी आपको भी, और क्या कहना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं राजमा चावल का देखो मेरी तरफ, ये पत्तल आ गई हमारी। अच्छा, यू एंड थ्रो, मतलब हर चीज हम पत्तल पे यूज करेंगे। अच्छा, ये देखो ये चावल आ गए, इसे बोलते हैं बाइट चावल, ठीक है, ये देखो खिले खिले चावल हैं, ये देखो इसे बोलते हैं चावल, ठीक है। ये राजमा गर्म कोली की आंच पे गर्म हो रही है, देखो ये
इसमें राजमा है और भी कुछ है? राजमा और सोयाबीन होती है, स्वाद के लिए एक पीस डाल देंगे हम। ठीक है, ये देखो उसके बाद एक पनीर का पीस आएगा, ये देखो जी। ठीक है, एक आ गया बूंदी का मिर्ची का मसाला, ये देखो ये क्या है? ये मिर्ची का मसाला होता है, ये लो जी। जी जी, ये थोड़ा सा मसाला आ गया। प्याज ऑन क्वालिटी, जितना मर्जी प्याज महंगा होगा इस लेडी पे प्याज मिलेगा, ये हमारी छोटी सी खासियत है। ये देखो ये डिस्पोजल चम्मच आ गया सर। अच्छा ठीक है, एक हरी मिर्ची खाने के लिए, एक नैपकिन लगाएंगे, ये हो गया राजमा चावल तैयार हो गया। ये कितने का हो गया? 70 सर, 70 रुपीस का। ठीक है, देखो सर ये पत्तल में, ये भी गीला कुलचा पत्तल पे ही आएगा। अच्छा ये देखो जी, जो भी सामान खाएगा पत्तल पे भी, यूं थ्रो में एक प्लेट पे दूसरा आदमी नहीं खाएगा। तो ये कुलचा को हम पहले से डाल के रखते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं गीला कुलचा, इसी को यहाँ पे डिप कुलचा भी बोलते हैं क्या? गीला कुलचा बोलते हैं। देखो ये कुलचा आ गया, ये छोले आ गए, देखो ये। ठीक है, इसे थोड़ा राजमा खाना चाहते हो राजमा थोड़े हल्के से डाल दे सकते हैं हम। ये देखो ये, ये देखो ये पनीर का पीस आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी मिर्ची आ गई, बूंदी वाला मिर्ची का मसाला, थोड़ा सा सूखा मसाला आ गया। ये देखो ये प्याज आ गया, ये नारदाने चटनी आ गई, ऐसा डिस्पोज चम्मच आ गया, एक स्वाद के लिए हरी मिर्ची, स्वाद के लिए पक्का। ये लो जी, ये कितने का हो गया गीला कुलचा? ये भी 70 सर, 70 रुपीस का सब चीज है। नेक्स्ट लग रहा है समोसा, तो हर एक आइटम। हाँ, अब आ रहा है समोसे ही, बस सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्पोजेबल प्लेट में ही सब चीज है। सर यूं थ्रो में एक प्लेट में दूसरा आदमी नहीं खाएगा। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है, हम नहीं कहते गा कहता है सर ये। हाँ हाँ, ये देखो ये छोले गर्मा गर्म छोले आ गए, देखो ठीक है, ये देखो गर्मा गर्म छोले देखो ये। ठीक है, इसे पनीर अभी डालेंगे। अच्छा, इसमें भी पनीर जाएगा? हाँ हाँ, स्वाद के लिए लोग खाते हैं पब्लिक। ये देखो जी ये आ गया। ठीक है, वाह वाह, हल्की सी मिर्ची स्वाद के लिए। ठीक है ठीक है, ये प्याज, ठीक है ये नारदाना चटनी, ये लो डिस्पोजल चम्मच। ये वाला कितने का हो गया? ये 80 हो गया सर, पनीर डाल के। अच्छा, पनीर डाल के 80 रुपीस का हो गया। दो समोसा एक समोसा? दो पीस सर। बहुत अच्छा, आउट ऑफ द वे, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। अच्छा, इसका रिव्यू देख के मैं यहाँ खाने आई हूँ। अच्छा अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मतलब ऑस्ट्रेलिया से जम्मू आई है? मैं जम्मू में मेरे मामा मम्मी मम्मी पापा रहते हैं, ये खाने के लिए यहाँ आई हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मतलब इनका वीडियो देखे होंगे आप? हाँ, इनका वीडियो देखे थे, तो अच्छा ये था कि यहाँ आए तो ये जरूर खाना है मैंने। तो जो एक्सपेक्टेशन था वो मिला? यस एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। भैया बहुत अच्छा लगता है जहाँ से इधर से लोग कन्याकुमारी और श्रीनगर तक, स्पेशली जो इधर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं इधर, मैक्सिमम इधर ही करते हैं। अच्छा। ठीक है नहीं, और इधर जहाँ से 2 बजे का पूरा फिनिश हो जाता है, 10 बजे लग जाती, 2 बजे तक फिनिश हो जाता है, 1000 समोसा लग जाता है। 1000 समोसा? हाँ हाँ। चावल भाई आपका खत्म भी हो गया? जी मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बोल रहा था ना, मैं क्या, अच्छा चावल खत्म हो गया तो फिर हम लोग को वो कर दीजिएगा, समोसे वाला और कुलचा वाला लेना। अभी 2 भी नहीं बजा, अभी लगभग 1:30 बज रहा है, भैया का सारा चावल वावल जो है सब खत्म हो गया, तो अब जो है उसी में से कुछ हम लोग ट्राई करते हैं। ये समोसे 2 आ गए, ठीक है ठीक है। हाँ, गर्मा गर्म छोले आ गए देखो ये, ठीक है, ये लो जी, इसमें पनीर भी आएगा एक पीस। ठीक है ठीक है, ये देखो इतना बड़ा पीस है, ये देखो जी, ये लो जी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा स्वाद के लिए मसाला, ये देखो जी प्याज, नारदाने चटनी, एक डिस्पोजल चम्मच, ये देखो जी साथ में हरी मिर्ची, एक साथ में नैपकिन मिला, हाथ साफ पनीर, ये लो जी हो गया तैयार पनीर कुलचा। ये आ गया समोसे पनीर, ठीक है मैम। राजमा चावल नहीं, मैंने कलाड़ी कुलचा खाया था जम्मू में, 2 साल पहले मैं हॉस्टल में थी। अच्छा, तो दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग इन जम्मू, बट इनका मैंने खाया, इतना पसंद आया कि हमने दोपहर में खाया, वापसी के टाइम हम आए वापस रात को खाया, एंड अभी हम जम्मू छोड़ रहे हैं तभी वापस खा रहे हैं। तो इधर आ चुका है हमारा ये डिप कुलचा, राजमा छोला सब मिक्स कर दिए, आपको दिखाएं क्या क्या दिए, देखिए ये अंदर तक तोड़ तोड़ के जो कुलचा ऐसे मिक्स किए हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा पनीर का टुकड़ा, ये ऐसा पनीर का टुकड़ा आपको सिर्फ जम्मू में देखने को मिलेगा। ये साइज़ देखिए पनीर का, ये साइज़ देखिए, ये खुद कुलचा लग रहा है, कुलचा और इसको अगर बगल में रख दे तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कौन कुलचा और कौन पनीर है, इतने बड़े साइज़ का ये पनीर का टुकड़ा जो है वो दिए हैं। करते हैं ट्राई, सबसे पहले कुलचा को करते हैं ट्राई। अलग अलग तरह का फ्लेवर आएगा आपको, तीखा खट्टा चटनी जो उसका स्वाद, प्याज का स्वाद, राजमा का स्वाद, मटर का स्वाद, जो ऊपर में वो डाले हैं हल्का सा तीखा के लिए उसका स्वाद, मिक्स सा फ्लेवर आएगा। बहुत ही डिफरेंट सा चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट सा चीज़ है ये, चटपटा बहुत। अगर आप इधर से खाइएगा तो आपको तीखा लगेगा,
इधर से खाइएगा तो हल्का सा खट्टा लगेगा, ऐसा इसका कॉम्बिनेशन है। एकदम मसालेदार और चटपटा सा टेस्ट है ये पनीर जो है, ये इसका एक टुकड़ा जो है ये खाया जाए। पनीर जो है यहाँ का, इस पनीर पर तो दिल आ गया है, ये ऐसा पनीर यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये पनीर का जो साइज है, ये एक आदमी को खाने में मुश्किल होगा ऐसा पनीर का साइज लगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। इसके पहले जो बाइट लिए थे वो हम खाए थे इस साइड से, तो लगा हमको थोड़ा तीखा। अभी वाला जो लिए वो खाए इस साइड से, तो ये थोड़ा बैलेंस लगा, ये माइल्ड स्पाइस लगा, मतलब ये मीडियम स्पाइसी लगा, ये बहुत स्पाइसी नहीं है। पनीर खाएंगे हल्का ब्लैंड टेस्ट आएगा, इसमें सिर्फ पनीर का टेस्ट है, कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं किया गया, तो एकदम मिक्स चीज़ है। इस साइड से खाएंगे तो चटनी का हल्का सा खटास जो है उसका स्वाद आ रहा है, तो एक पत्ते में अलग अलग चीज़ का टेस्ट चाहिए, अलग अलग फ्लेवर चाहिए, तो आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये समोसा। समोसा कौन ऐसे देता होगा, मतलब पहली बार देख रहे हैं इस तरीके से इतना भरपूर मात्रा में समोसा। ये समोसा ऐसा है कि इससे आप लंच कर सकते हैं, इतना हेवी क्वांटिटी में समोसा दिया गया है। कुलचा का क्या हुआ कि वो सॉगी हो गया, मिक्स हो गया उसमें। समोसा में क्या है कि अभी भी अपना क्रंचीनेस बरकरार रखा है, तो ये जब पापड़ी खाएंगे तो क्रंची वाला टेस्ट आएगा, और बाकी मसाला वसाला सब कुछ सेम है। ख़त्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। ये जो चीज़ आप पहले देखे थे, कभी जम्मू आते हैं रुक के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही मतलब इतना क्राउड, लोग हाथ में नोट लेके खड़े हैं कि हमको दीजिए हमको दीजिए, ऐसे ही इतना क्राउड नहीं है। ख़त्म करते हैं, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।